students and my dear friends i am dr shalini shukla and today is 2nd of september 2021 thursday inspiration of the day is life begins at the end of your comfort zone in today's discussion we are going to cover these articles let's start with article number 1 given on page number 4 gst mop up debts but stays above rupees 1 trillion for second month कल क्वार्टर वन के इकोनॉमिक डेटा के रिलीज़ के बाद से आज की भी जो न्यूज़पेपर है उसमें भी जो मैक्सिमम न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी और ग्रोथ ऑफ़ इंडियन इकोनॉमी कल के न्यूज़पेपर में मैक्सिमम वो न्यूज़ कवर थी जिससे कि इंडिकेट हो रहा था कि इंडियन इकॉनमी जो है वो रिकवरी के बाद में बट आज के न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स की बात करी गई है न्यूज़ आर्टिकल्स में जिनको देख करके अभी जो इंथ्यूजियाजम है जीडीपी ग्रोथ का इकोनॉमिक रिकवरी का वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है बिकॉज ऑल दोज इंडिकेटर्स हैव रजिस्टर्ड द नेगेटिव ग्रोथ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट जैसे कि अगर हम बात करें जीएसटी कलेक्शन की तो जीएसटी कलेक्शन अगस्त में मॉडरेटली कम हुआ है 1.1 ट्रिलियन एज इट वाज इन इट जुलाई इट वाज़ 1.16 ट्रिलियन रुपीस तो जुलाई में जो ये नंबर 1.16 ट्रिलियन था अगस्त में रिड्यूस होकर के 1.12 ट्रिलियन रह गया है जीएसटी कलेक्शन हालांकि एक जो कंसिडरेबल बात है वो ये है कि अभी भी वन ट्रिलियन का जो मार्क है वो जीएसटी कलेक्शन ने क्रॉस किया है इससे नीचे अभी नहीं आया है तो फिलहाल जुलाई के कंपैरिजन में अगस्त के मंथ में जीएसटी कलेक्शन मॉडरेटली लो हुआ है एबव वन ट्रिलियन का मार्क कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं दैट आर गेनिंग मोमेंटम हाँ उतनी स्पीड में नहीं बट स्लोली स्लोली दे आर गेनिंग मोमेंटम एज द डिक्लाइन इन कोविड नाइन्टीन केसेस तो अगर गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ेगा वाई वी आर कंसर्न अबाउट द जीएसटी कलेक्शन क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा चाहे टैक्स रिसीट्स हो चाहे नॉन टैक्स रिसीट्स से बढ़े गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा दैट विल इंश्योर द फास्ट इकोनॉमिक रिवाइवल तो अगर जीएसटी कलेक्शन कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है तो ये आगे ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे आने वाले मंथ में अगर इसी तरह से जीएसटी कलेक्शन फॉल किया तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस होगा इकोनॉमी को रिवाइव करने में और अगर एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी डाउन होंगी तो इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने कही कहीं ना कहीं कॉशन किया कि बहुत ज़्यादा रिलाई अभी नहीं करना चाहिए रिकवरी डेटा को क्वार्टर वन के इकोनॉमिक रिकवरी डेटा को लेकर के क्योंकि जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ बहुत और सारे जो इंडिकेटर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं फॉल देखने को मिल रहा है जैसा कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग हैज ऑल्सो फेल एंड द लेटेस्ट जी एस टी नंबर पर टेन टू द ट्रांजेक्शन्स मेड इन द मंथ ऑफ जुलाई जिनको ऑगस्ट में कलेक्शन दिख रहा है लेकिन अगर इसको लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन से कंपेयर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में तीस परसेंट का इंक्रीज है लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये पर्टिकुलर ईयर पैंडमिक ईयर था इसमें पैंडेमिक की फर्स्ट वेव आई थी तो कहीं ना कहीं इसमें हमें लो बेस इफेक्ट दिख गया क्योंकि उस समय नेशन वाइज लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे जो इंडिकेटर्स थे वो इवन अपनी निगेटिव टेरिटरी में चले गए थे तो तीस परसेंट इंक्रीज़ तो दिख रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में पिछले साल अगस्त के कंपैरिजन में बट ओनिंग टू द लो बेस इफेक्ट और अगर प्री पैंडमिक ईयर से कंपेयर करें प्री पैंडेमिक ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के जुलाई मंथ के अगर हम डेटा से कंपेयर करें जी कलेक्शन को तो उसके कंपेरिजन में फोर्टीन का इंक्रीज़ देखने को मिला है तो तो प्री पैंडमिक ईयर से नॉर्मल ईयर से फोर्टीन परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है जीएसटी कलेक्शन में बट इसको लेकर भी एक ट्रिक है कईयों का कहना है कि जीएसटी एस नंबर्स फॉर जुलाई वॉज स्लाइटली ओवर एस्टिमेटेड एज अराउंड फाइव थाउजेंड करोड ऑफ एरियर फ्रॉम जून वॉज अकाउंटेड फॉर दिस मंथ तो पिछले महीने का कुछ एरिया जो इस मंथ में कलेक्ट हुआ है इसकी वजह से जो जुलाई का जो जी एस टी कलेक्शन दिख रहा है वो थोड़ा सा ओवर एस्टिमेटेड है तो एक्सपर्ट का यह कहना है कि जो फोर्टीन परसेंट का इंक्रीज़ दिख भी रहा है हमें फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के कंपैरिजन में वो एक्चुअल में इंक्रीज़ नहीं है क्यों क्योंकि जो जीएसटी कलेक्शन जुलाई मंथ का रहा है वो ज़्यादा या बोल सकते हैं ओवर एस्टिमेट किया गया है क्यों ओवर एस्टिमेट किया गया क्योंकि कुछ जून के मंथ से कुछ एरियर्स था कुछ बकाया था जो कि जुलाई के मंथ में कलेक्ट हुआ है एंड दिस को पार्शली एक्सप्लेन द ड्रॉप इन द मंथ ऑफ अगस्त तो, और उसी वजह से जो अगस्त में एक्चुअली जो ड्रॉप दिख रहा है वो इसी वजह से क्योंकि जुलाई में ओवर एस्टिमेशन हुआ है जीएसटी कलेक्शन का तो अगस्त आते आते वो ओवर एस्टिमेशन जो है उसका हमें इम्पैक्ट अगस्त के डेटा में देखने को मिला इसीलिए जो अगस्त में जीएसटी कलेक्शन है वो पार्शली या मॉडरेटली फॉल किया है इन कंपैरिजन टू द जुलाई हाउ एवर द ऑगस्ट जीएसटी नंबर कॉन्ट्रैक्ट द शार्प पिकअप सीन इन द डेली ई वे बिल जनरेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई विच पोस्टेड 17 परसेंट सीक्वेंशियल ग्रोथ तो ई वे बिल जनरेशन जो हो जो कि गुड्स और सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता तो है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है अगस्त के अगर जीएसटी नंबर्स को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो ई वे बिल जनरेशन हुआ है उसमें शार्प इंक्रीज देखने को मिला कंट्रास्ट द शार्प पिकअप सीन इन द डेली ई वे बिल जनरेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई दो परसेंट की सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है इन ई वे बिल जनरेशन एज पर दगस्ट जी एस डेटा ई वे बिल जनरेशन बेसिकली इंडिकेट सप्लाई इन द इकोमी एंड रिकवर टू एन एवरेज ऑफ टू पॉइंट कम्पेयर टू वन पॉइंट इन द मंथ ऑफ जून तो जून में जो वन पॉइंट एट मिलियन था जी एस टी जनरेशन वो की टू पॉइंट वन मिलियन तक आ गया तो कहीं ना कहीं सप्लाई इंक्रीज होती हुई दिख रही है जुलाई के मंथ में एज पर द अगस्त जीएसटी नंबर तो एक्सपर्ट्स का ही कहना का है इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इकोनॉमी जो है वो रिकवर तो कर रही है बट इतना पेस से नहीं कर रही जितना या इतनी स्पीड से नहीं कर रही जितना उसे करना चाहिए एंड दैट इज़ वाई बाई जस्ट सींग द क्वार्टर वन रिजल्ट और क्वार्टर वन एस्टिमेट्स स्ट्रेटजिस्ट और गवर्नमेंट शुड नॉट मेक द पॉलिसीज एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ जी एस टी कलेक्शन सिंस फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन यानी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन यानी लास्ट ईयर से तो अगर अप्रैल से स्टार्ट करें अप्रैल में लास्ट ईयर नेशन वाइज लॉकडाउन था तो उस समय जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा फॉल किया था तो अप्रैल से अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है बट मोर लेस हमें ये इंक्रीज़ होता हुआ दिखा कब तक जब तक सेकेंड वेव नहीं आ गई सेकेंड वेव में फिर से थोड़ा सा हमें डिक्रीज़ दिखा बट नाउ इट इज स्टिल इंक्रीजिंग और जुलाई और अगस्त में जो डिफरेंस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओवर एस्टिमेशन एज़ पर द एक्सपर्ट आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर फोर फैक्ट्री ग्रोथ डिक्लाइंस हायरिंग फ्रीज रिटर्नस अगर फैक्ट्री एक्टिविटीज़ की बात करें रिसेंटली जो भी बात हो रही है एक कल के डेटा को लेकर के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के डेटा को लेकर के तो आज के न्यूज़पेपर में ये डिस्कशन है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जिन पर भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को जिसमें कि एक फैक्ट्री ग्रोथ फैक्ट्री आउटपुट है जो कि डेक्लाइन हुआ है और उसके डेक्लाइन होने की वजह से हायरिंग भी फ्रीज़ हो रही हायरिंग फ्रीज हो रही मतलब सीधी सीधी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है तो क्या न्यूज़ में बेसिकली फैक्ट्री एक्टिविटी लॉस इट्स मोमेंटम इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एज कोविड इंड्यूस कब्स एंड राइजिंग इनपुट कॉस्ट वेटेड ऑन द डिमांड तो बिकॉज ऑफ सर्टन कोविड इंड्यूस कप एंड राइजिंग इनपुट कॉस्ट इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है अगर आपको पता हो हमने कई बार डिस्कस भी किया है न्यूज़ इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है जिसकी वजह से जो फैक्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं ऑन द अदर हैंड एंड क्या रहा है डिमांड मार्केट में है नहीं अगर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली डिमांड और ज़्यादा फॉल करेगी एंड दैट इज़ वाई प्रोड्यूसर्स आर नाउ इन जैरिमा इनपुट कॉस्ट बढ़ रही बिकॉज ऑफ द कोविड इंड्यूस कब्स सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है कई जगह इवन शॉर्टेज भी है जैसे कि हमने कोल्ड शॉर्टेज डिस्कस करी है ऐसे भी कंडक्टर की शॉर्टेज डिस्कस कर रहे हैं इसके अलावा इन्फ्लेशन की वजह से भी जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है लेकिन प्रोड्यूसर्स जो हैं दे डू नॉट हैव द ऑप्शन टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स व्हाई? बिकॉज डिमांड इज ऑलरेडी अपड्यूड और अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो फर्दर उनके प्रोडक्ट की उनके सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और इसी की वजह से फर्म्स जो हैं दे पुट हायरिंग ऑन होल्ड शोड अ प्राइवेट सर्वे ऑन वेनजडे तो प्राइवेट कंपनी का सर्वे कौन से प्राइवेट कंपनी आई मार्केट मैनेजर इंडेक्स तो आई एच एस मार्केट जो है प्राइवेट कंपनी है जो बेसिकली पी एम आई इंडेक्स पब्लिश करती है तो कई और तरह की भी रिसर्च करती हैं तो आई एच एस मार्केट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसका जो मैनुफैक्चरिंग इंडेक्स है जो पी एम आई मैन्युफैक्चरिंग है वो फॉल किया है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इन कंपेरिजन टू जुलाई जुलाई में कितना था पचपन दशमलव तीन था फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री परसेंट था जो कि ऑगस्ट में फॉल करके फिफ्टी टू पॉइंट थ्री हो गया है और चाहे पी एम आई मैनुफैक्चरिंग हो और चाहे पीएमआई सर्विस हो हमने आपको यहाँ पर एक बात कई बार बताई कि 50 का जो नंबर है अगर 50 से ऊपर है तो दैट इंडिकेट द एक्सपेंशन अगर 50 से नीचे है तो दैट इंडिकेट द कॉन्ट्रैक्शन वन टू हंड्रेड स्केल पर होता है पचास जो है वो मीडियन है पचास से ऊपर एक्सपेंशन पचास से नीचे कॉन्ट्रैक्शन तो कहीं ना कहीं अभी भी एक्सपेंशन की ही टेरिटरी में है पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग बट

थ्री था अगस्त में ये फिफ्टी टू पॉइंट थ्री हो गया तो जून से जुलाई में कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन के टेरिटरी में आ गया था पीएमआई इंडेक्स लेकिन फिर से अभी भी एक्सपेंशन की ही टेरिटरी में है बट इन कंपैरिजन टू द जुलाई मंथ इस बार एक्सपेंशन जो है वो कम है क्योंकि पीएमआई इंडेक्स जो है वो फॉल किया है एंड बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट लेवल वर ब्रॉडली स्टेगनेट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट जब कंपनीज के पास काम नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए है ही नहीं ए, डिमांड देन बाई दे विल हायर वो क्यों हायर करेंगे लेबर्स को एम्प्लॉयज़ को तो इसी वजह से कंपनीज जो अपनी हायरिंग से जो हायरिंग प्लान्स है वो फिलहाल के लिए अगस्त मंथ में होल्ड कर दिए हैं बिकॉज कंपनीज़ हैव सफिशियंट स्टाफ टू कोप विद द करंट रिक्वायरमेंट एंड कॉन्फिडेंस रिमेन स्टिल सबड्यूट और अभी पता नहीं है कंपनीज़ को कि आगे आने वाले टाइम में क्या डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमिक रिकवरी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी या डिमांड फिर से सबड्यूट करेगी इसीलिए कंपनीज़ ने जो अपने हायरिंग प्लान्स थे उनको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है और उसकी वजह से क्या होगा डेफिनेटली अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो इनकम देयर विल बी नो इनकम द डिमांड विल फर्दर डिक्रीज एंड डिमांड विल फर्दर ड्रीज द प्रोड्यूसर विल नॉट हैव द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस एनी थिंग

एंड दैट इज़ वॉट इकोनॉमिस्ट आर सींगट गवर्नमेंट शुड नॉट इग्नोर ऑल दिस डेटा इसके अलावा अगर हम और भी बात करें एक्चुअली जो न्यूज़ है वो काफ़ी सारी इकोनॉमी से रिलेटेड तो मैंने एक ही कॉलमी कवर करने की कोशिश करी है एक न्यूज़ आर्टिकल और दिया हुआ है दैट इज़ रिलेटेड टू पावर डिमांड पी एम आई डाउन हो रहा है जी एस टी कलेक्शन फॉल हो रहा है लेकिन अगर हम पावर डिमांड की बात करें तो पा फाइनली इंडिया का जो पावर कंजप्शन है दैट ग्रो एट एटीन पॉइंट सिक्स परसेंट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 1.25 बिलियन यूनिट इन टर्म्स ऑफ़ नंबर एंड दैट इज़ देन द प्री कोविड लेवल बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवड इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पावर कंजप्शन पावर डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ रही है और इवन ये प्री कोविड जो लेवल है उससे भी ज्यादा हो गई है अगस्त के मंथ में तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर पावर डिमांड बढ़ रही है इन इकोनॉमी में तो पावर कंजप्शन बढ़ रहा है इसका मतलब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इम्प्रूविंग एमिट द ईज ऑफ लॉकडाउन बाई स्टेट्स तो रिसेंटली पावर मिनिस्ट्री का जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें इंडिया में पावर कंजप्शन बढ़ा हुआ इंक्रीज हुआ इसके अलावा जो पेट्रोल की जो डिमांड है वो भी थर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट तक बढ़ी है तो पावर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ रही हैं गुड्स का लेबर्स का मूवमेंट हो रहा है इंडिविजुअल एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं टूरिज्म बढ़ रहा है इंटरटेनमेंट बढ़ रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पिछले जो मंथ्स हैं उनकी कंपेरिजन में स्लाइटली इम्प्रूव हुई दैट इज़ वाई पेट्रोल एंड पावर डिमांड इज़ इंक्रीजिंग और इसके अलावा अगर यू पी आई ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो एट थ्री पॉइंट फाइव ट्रा बिलियन ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त यूपीआई क्लॉक वन ट्वेंटी परसेंट सर्ज इन द वॉल्यूम तो डिजिटल पेमेंट के केस में भी यूपीआई में वन ट्वेंटी परसेंट का इंट्रीज देखा गया है इन इन वॉल्यूम्स इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट तो अगर डेफिनेटली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्यों ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा मतलब ये है कि जो बाइंग एंड सेलिंग है वो हो रही है कंज्यूमर्स आर बाइंग प्रोडक्ट्स दे आर अवेलिंग द सर्विसज कंपनीज आर बाइंग द रॉ मटीरियल्स और इसीलिए वो पेमेंट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 120 परसेंट का सर्च देखा गया है एज पर द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फ्लैगशिप पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई इंटरफेस और वॉल्यूम के टर्म में थ्री बिलियन के ट्रांजेक्शन हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इनक्रीज हो रही हैं इंडियन इकोनॉमी में और अगर आप ग्राफ देखें तो पिछले कुछ अगर पैंडमिक मंथ्स को देखा जाए तो कंटिन्यूस इंक्रीज़ देखा गया है तो हम ये भी कह सकते हैं इसको सीधे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अगर रिलेट ना किया जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि पैनडेमिक के पीरियड में जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली प्रिफरिंग द डिजिटल ट्रांजेक्शन रादर दैन गोइंग फॉर कैश ट्रांजेक्शन और इसी वजह से ये इनक्रीज़ हो रहा है इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से नहीं है हम इसको सिग्नीफिकेंटली रिलेट नहीं कर सकते बट जो अब जो मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट है वो तो जो पहले कैश से पे करता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले जो पीपल दे प्रफर की हम ऑफिस जाएँ और वहाँ पर बिल पे करें बट अब दे आर नॉट प्रफ़रिंग द डिजिटल मोड ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट जिसकी वजह से यू पी आई ट्रांजेक्शन जो हुआ है बड़ा हुआ दिख रहा तो एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसको सीधे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेट नहीं किया जा सकता कि अगर यू पेमेंट बढ़ रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं इसका ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि नाउ पब्लिक इज रिलाइंग मोर ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन रादर देन कैश ट्रांजेक्शन्स अब देख लेते हैं समदान न्यूज क्रिप्ट ऑटोमोबाइल सेल्स किड ऑन सेमी कंडक्टर शॉर्टेज अभी हमने पहले न्यूज़ में भी डिस्कस किया कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है बहुत जगह और अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेमी कंडक्टर की शॉर्टेज और उसी सेमी कंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से जो ऑटोमोबाइल कंपनीज से उनकी सेल और ज़्यादा लो रही ऑटोमोबिल कंपनी इज़ एक्चुअली फेसिंग अ लॉर्ड ऑफ चैलेंजेस ऑटोमोबल इंडस्ट्री इज फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस नाउ दीज डेज और जिसमें अब एक नई इनके लिए नया इशू जनरेट हुआ है एंड दैट इज सेमी कंडक्टर शॉर्टेज सो व्हीकल सेल टू का बीटिंग इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एज द ऑटोमोबाइल मेकर्स कट द प्रोडक्शन अ वर्सनिंग ग्लोबल चिप शॉर्टेज द फैक्ट्री डिस्पैच डेटा शोड ऑन वेटनेसडे और इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं किसी एक कंपनी पर पड़ा है मारुती सुजुकी हनजाई टाटा मोटर्स होंडा का टोयडा एम एन एम हीरो मोटर का होंडा टू व्हीलर्स बजाज ऑटो हर तरह के टू व्हीलर और इवन पैसेंजर कार सेगमेंट पर इसका सेमी कंडक्टर शॉर्टेज का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आप देख लेते हैं नेक्स्ट जेट टू पॉइंट जीरो प्लान टू फ्लाई बाई अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो जेट एयरवेज विच हैज़ बीन शट फॉर मोर टू ईयर्स after a mounting financial losses so now jet airplane, uh, airplanes or jet airways are actually planning to resume the services by the first quarter of financial year twenty two and this will be the first case of airline revival to india's insolvency प्रोसेस तो फिलहाल दो साल तक जेट एयरवेज जो था वो ग्राउंडेड रहा जेट एयरवेज के सारे प्लेन क्यों क्योंकि उनकी फाइनेंशियल जो लॉसेस थे लैबिलिटीज थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बैंक की सिचुएशन में आ गई थी कंपनी फाइनली इंसॉलवेंसी प्रोसेस के थ्रू कंपनी को रिवाइव किया जा रहा है और उसके आ, ट्वेंटी टू क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू के क्वार्टर वन से ऐसा प्लान किया जा रहा है कि अब इसको जिसकी फ्लाइट है वो रन करेंगी इन जून नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ गिवन द अप्रूवल ऑफ़ रेजोल्यूशन प्लान ऑफ द कंसोशियम ऑफ द उजबेगिस्तान बिजनेस मुरारी लाल जलान एंड लंडन क्वार्टर कैलरॉक कैपिटल तो फाइनली जेट एयरवेज का जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है एंड ना कंपनी इज़ प्लानिंग टू ऑपरेट और द न्यू ओनर्स आर एक्चुअली प्लानिंग टू रिवाइव द जेट एंड दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू री स्टार्ट इट्स

परसेंट अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने हजार करोड़ का बॉन्ड आ रहा है बस यहाँ पर जो एक टेक्निकल टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि व्हाट आर द परपेक्चुअल बॉन्ड व्हाट आर द एडिशनल टीयर बॉन्ड कई बार हमने अपने न्यू डिस्कशन में बताया तो आज आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लेकर बताइए कि परपेक्चुअल बॉन्ड्स और एडिशनल टीयर बॉन्ड्स क्या होते हैं वाई कंपनीज आर और एस इज प्रेफरिंग टू रेज फंड्स थ्रू दीज परपेक्चुअल बॉन्ड्स वाई नॉट अदर मीडियम ऑफ फंड रेजिंग And this is the first such issue in the domestic market since the SEBI introduced the valuation norm in the month of April. And the issue garnered overwhelming response from the investors with a bid excess than 10,000 crore received against a base issue size that is rupees 1,000 crore. As per the SBI report, so finally, SBI is going for raising the 4,000 crore through perpetuity bond. Or recently Access Bank is also going for the same exercise for raising the dollar 600 billion fund from 81 bonds. So that's all for today's students. If you want lecture PDF, you can join my telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.